तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर यूट्यूबर्स में से ट्रेड करने वाला है ओपी आइटम्स। एंड इस वीडियो के अंदर मेरा मेन गोल रहने वाला है जो कि मुझे खुद भी पता नहीं, सो इसलिए वीडियो के अंत तक पूरी जरूर देखना। एंड ऑल्सो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा एंड ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सो यार हाँ जल्दी से कर दो। एंड अगर तुम लोग अभी तक मेरे चैनल के अंदर न्यू हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर 1K सब्सक्राइबर। आफ्टर मोर देन 1 ईयर हमारा चैनल का 1K सब्सक्राइबर से कंप्लीट हो चुका है एंड इसके रिलेटेड एक अनाउंसमेंट होगा लास्ट में, सो प्लीज वीडियो के अंत तक पूरी देखते रहना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो गया बट ये मेरे हार्ट्स के साथ क्या हो गया एंड हार्ट के ऊपर आर्मर का बार कहाँ से आ गया? मैंने तो कोई आर्मर नहीं पहना था। वेट हाँ ये देखो यहाँ पर आर्मर है। सो आई थिंक ये जो मॉड का क्रिएटर है उन्होंने स्पॉन होते हैं आर्मर लगा दिया है प्लेयर्स के ऊपर। बट वेल जो भी है बढ़िया है, लेकिन ये क्या है? ये देखो इसका नाम कितना ज्यादा कर्स्ड है। बट आई थिंक इसके लिए ये इतना ज्यादा ओपी भी है। ये टोटली एकदम कर्स्ड आइटम है एंड तुम लोग देख सकते हो मेरे हाथ में भी है, कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, एकदम जाइनॉर्मस जाइगेंटिक और जो भी तुम बोल सकते हो। तो चलो जल्दी से इसे पहन लेते हैं एंड फिर यूट्यूबर्स को ढूंढते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमें कौन मिल गया है, तो ये है खतरनाक किसान भाई। एंड चलो देखते हैं क्या दे रहा है। एंड ये एमिरल्ड्स के बदले हमको लीफ दे रहा है, तो चलो बढ़िया। वेट तो गाइस यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऑटोमेटिकली कैसे ना कैसे हो गया, शायद माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच होगा। चलो चलो गाइस उधर चलते है। भाई पाल बाल बच गया वरना अभी मेरे ऊपर केस हो जाता। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर है गेमर फ्लीट। तो फ्लीट भाई मेरे को दे रहे हैं एमिरल्ड्स के बदले एरोज जो कि मेरे को ड्रैगन फाइट के वक्त लगेगा, बट उससे पहले मेरे को एमिरल्ड्स का इंतजाम करना पड़ेगा जो कि मेरे को देगा चपाती भाई एक ब्रेड के बदले। तो सबसे पहले चलो ब्रेड को ढूंढ लेते हैं। एंड यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा व्हीट मिल गया है, व्हीट आई मीन हे बेल, तो जल्दी से चलो इससे ब्रेड बना लेते हैं। तो गाइस चलो देखते हैं रोनी भाई हमें क्या दे रहा है। सो ये तो सब रेडस्टोन का आइटम्स दे रहा है बट एक जो काम का आइटम है वो है टीएनटी। तो मैं एमिरल्ड क्रेडिट करके इनसे टीएनटी खरीद लूंगा। एंड यहाँ पर है बिक्सू भाई जो कि हमें बहुत महंगा महंगा चीज दे रहा है, सो मेरे को बिक्सू भाई से भी ट्रेड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर है एक ब्लैक स्मिथ का हाउस, चलो देखते है इसके घर के अंदर क्या है। थोड़ा सा कूड़ा है, उतना ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं, बट एक स्वॉर्ड मिल गया चलो बढ़िया। एंड यहाँ से थोड़ा सा ऑब्सिडियन मिल गया, नेदर जाने का काम आएगा। एंड आई डोंट नो कि मेरे को नेदर जाना भी पड़ेगा या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर है हमारा मिथ पैड बैंड, ये हमें दे रहा है ओ भाई। अगर इनसे मैंने ट्रेड कर लिया तो मेरे को फिर नेदर जाना नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से मैं इसे कैप्चर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बना लिया खड्डा, तो जल्दी से इनको यहाँ पर डाल देता हूँ। चला जाओ भाई लेट्स गो। तो यहाँ पर मिथ पैड भाई कैप्चर हो गया है, अब मेरे को सिर्फ चपाती भाई को ढूंढना पड़ेगा। एंड ऑब्सीडियन लगा देता हूँ यहाँ पर जिससे मैं पहचान जाऊंगा कि यहाँ पर मैंने रखा था। तो अब चलो गाइस अब चलो गाइस जल्दी से चपाती भाई को ढूंढ के उनसे एमिरेट करके इनसे भी ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि मेरे को नेदर जाने का कोई भी नहीं है। तो चलो जल्दी से चपाती भाई को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर मेरे को फिर से ब्रेड मिल गया, तो चलो जल्दी से इस सब को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज मेरे को यहाँ पर निश्चय भाई मिल गया एंड ये हमें दे रहा है यूजफुल आइटम जो कि है बेड रॉक, तो मेरे को जरूर ये खरीदना होगा। एंड वह दूर है चपाती भाई, तो चलो उनसे भी ट्रेड कर लेते हैं। तो गाइज चपाती भाई हमें दे रहा है ब्रेड के बदले एमिरल्स, तो चलो इनसे सबसे पहले बहुत सारे एमिरल्स ले लेते हैं। सो ये हो गया। एंड ये दे रहे हैं हमें गोल्डन एप्पल एंड इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, सो मैं यहाँ से 2 स्टैक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खरीदने वाला हूँ एंड 1 स्टैक नॉर्मल गोल्डन एप्पल। तो अब चलो जल्दी से दूसरे यूट्यूबर से ट्रेड कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं मिथ पैड भाई से ट्रेड करने वाला हूँ 1 स्टैक एंड पोर्टल फ्रेम, 1 स्टैक आई ऑफ एंडर, 2 स्टैक ले लेता हूँ एंड 1 स्टैक एंडर चेस्ट, लेट्स गो। सो अब मेरे को एंड जाने का कोई टेंशन नहीं है, तो अब चलो खरीद लेते हैं थोड़ा सा बेड रॉक। एंड यू नो व्हाट मैं इस बेड रॉक से क्या करने वाला हूँ, सो देखते जाओ। तो ये है गाइस माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सबसे ऑथेंटिक बेडरॉक सर्वाइवल हाउस, मस्त है ना बताओ। तो अब चलो जब रात हो रहा है तब एक बेड लाके यहाँ पर सो भी लेते हैं। बट गाइस यहाँ पर मेरे को टेक्नो गोवर्च मिल गया एंड ये मेरे को दे रहा है टोटम, तो चलो इनसे थोड़ा सा टोटम भी खरीद लेते हैं एंड एक बो भी खरीद लेते हैं, एंड फाइट में काम आएगा, एंड एक स्वॉर्ड एंड एक पिकैक्स भी खरीद लेते हैं, सो लेट्स गो। एंड जब गेमर फ्लीट भाई भी मिल गए तो तब चलो एरो भी खरीद लेते हैं, सो लेट्स गो। अब मैं प्रिपेयर हूँ ड्रैगन फाइट के लिए भी। तो गाइस चलो देखते हैं अब दूसरा और कोई यूट्यूबर मिलता है या फिर नहीं, अगर मिलेगा तो चलो से उन सब से भी ट्रेड कर लूंगा। सो चलो देखते हैं मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस चलो मेरे को ईशान भाई मिल गए, तो चलो इनसे थोड़ा सा लीफ खरीद लेते हैं, मेरा घर का डेकोरेशन में काम आएगा, मैं लिटरली माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेल रहा हूँ मॉड वीडियो के अंदर। तो अब चलो गाइस रोनी भाई से भी थोड़ा सा टीएनटी खरीद लेते हैं, बट मेरा इन्वेंटरी में एकदम भी जगह नहीं बचा।
तो गाइज मैंने मेरा घर को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, तो अब चलो ढूंढते हैं बिक्सू भाई को। तो गाइज फाइनली मुझे बिक्सू भाई में मिल गया, तो चलो इनसे भी ट्रेड कर लेते हैं। देखो दोस्तों मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, मैं लिटरली नेदरराइट ब्लॉक को रास्ते में छोड़ के जाता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो गाइज मैंने कहीं से ना कहीं से तो मैंने स्मार्टिफाई एंड एंड्रूबी का जो स्पॉन है वो उसको ला दिया है। सो मैंने बिल्कुल भी क्रिएटिव में नहीं गया था। सो जो भी हो तो चलो देखते है ये सब क्या देता है। तो सबसे पहले स्मार्टिफाई को स्पॉन करते हैं एंड इनका स्किन को क्या भद्दा बना दिया। स्किन वैसा ही है बट यू नो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट जो भी हो ये स्टील मेरे से हाइट में ज्यादा है, सो मेरे को रेस्पेक्ट करना होगा। एंड ये तो वो सभी आर्मर दे रहा है जो मेरे पास है, सो ये स्मार्टी भाई भी कोई काम के नहीं है। तो अब चलो देखते हैं एंड्रू भी हमें क्या देता है। तो गाइज ये सब तो हो गया, नाउ अब है ड्रैगन फाइट की बारी। तो गाइज मैं एंड के अंदर आ गया हूँ एंड अब मेरा जो चैलेंज है वो है मेरे को ड्रैगन को डिफीट करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग एनी वेपन एंड मैं क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। तो गाइज चलो अब ड्रैगन को डिफीट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने डिफीट कर दिया है एंडर ड्रैगन को एंड तुमने देखा है एंड तुमने भी देखा है मैंने कोई भी वेपन यूज नहीं किया, वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज नहीं किया एंड स्वॉर्ड को तो छुआ तक भी नहीं, सो यू नो। एंड अब एक और जो चीज बचता है तो चलो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, होप करता हूँ तुम सभी को पसंद आया होगा एंड जो अनाउंसमेंट था वो है अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 1K स्पेशल। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मेरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो को देखना, सो गुड बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.